अगली खबर डिंडौरी से आ रही है, जहां कलेक्टर सुबह सुबह लग्जरी वाहन की बजाय कलेक्ट्रेट परिसर से अधिकारियों के साथ बस में सवार होकर छत्तीसगढ़ राज्य से लगे पंडरीपानी वनग्राम के लिए रवाना हो गए। कलेक्टर के साथ अधिकारियों को बस में बैठ देख लोग भी हैरत में पड़ गए। प्रशासनिक अमला यहां चयनित पात्र हितग्राहियों को न सिर्फ शासकीय योजनाओं का लाभ देंगे, बल्कि ग्रामीणों की समस्या भी सुनकर उसका निराकरण भी करेंगे। कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि 19 दिसंबर को सुशासन सप्ताह शुरू हो रहा है। पिछले सप्ताह हमने पंडरीपानी गांव में घर घर जाकर सर्वे करवाया था और आज उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से जुड़े पंडरीपानी गांव ग्रे एरिया कहलाता है और यहां पर संचार की सुविधाएं नहीं है, इसलिए पहले तो हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया जा रहा है। कलेक्टर का कहना है कि आम जनता की समस्याएं और आवेदन शाश्वत प्रक्रिया है और सुशासन गांव के अंतिम छोर पर जाकर ही सिद्ध कर पाएगा। कलेक्टर का यह भी कहना है कि अच्छा काम करने वाले कर्मचारी गांव में सम्मानित किए जाएंगे और जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। हमने करवाई तो सब ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई, उसने भी स्पीड बढ़ाई 70 70 हम 80 वो 80 की तैयारी और क्या योजना है। एक्चुअली सुशासन सप्ताह हमारा शुरू हो रहा है 19 तारीख से और अभी सुशासन सप्ताह में जो हम लोग अभी जो अभी पिछली बार जनसेवा अभियान चला था उसमें लगभग पूरे जनवरी में हमने 1,33,000 लोगों को विभिन्न योजनाओं के लाभ दिए थे। बट जो आम जनता की समस्याएँ हैं और जो उनके आवेदन हैं वो एक शाश्वत प्रक्रिया है। जब आप काम करते हैं तो लोगों के और अधिक आवेदन समझ में आते हैं। हम लोगों ने जब पिछले दिनों में फील्ड विजिट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो हमने महसूस किया कि अभी और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो हमसे थोड़े छूटे हुए हैं, तो हमने इसमें उन क्षेत्रों को चुना है जो हमारे ज़िले के दूरस्थ अंचल हैं और खासकर बॉर्डर एरिया हैं। तो हम लोग करंजिया में पांडरा पानी जा रहे हैं जो कवर्धा बॉर्डर से टच करता है और ये वो इलाका है जहाँ पर कवर्धा ठीक सामने है, बीच में जंगल है, तो ऐसे एरिया ग्रे एरिया कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे मोबाइल सिग्नल भी काम नहीं करते तो कई बार विभिन्न योजनाओं के लाभ को करने में थोड़ा असुविधा होती है। तब की बात उससे इतना फ़र्क है कि हम लोग ने पिछले सोमवार से वहाँ पर घर घर जाके सर्वे शुरू कराए थे और जो लोगों की समस्याएं थी उसको आइडेंटिफाई किया था और आज उनका लाभ वितरण कर रहे हैं। हमने माननीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग किया था, ठीक है, अपेक्षा की थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। तो वहाँ तीन तरह के आवेदन निकल के आए हैं। पहला जिनमें लोगों को योजना का लाभ आज मिलेगा, दूसरा वो जिनकी मांगें थी उनको हमने कहा कि आपका प्रोग्राम कैसे नकद कर पाएंगे। बहुत थोड़े लोग अपात्र भी पाए गए हैं लेकिन उनको हम बताएंगे कि योजना में आप इस योजना में किसी और योजना में लाभ पा सकते हो। साथ में हम नई चीज़ और शुरू कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज हैं उनका सामाजिक मूल्यांकन करेंगे। वहाँ तो माने से पटवारी साहब हैं, पंचायत सेक्रेटरी साहब हैं, ANM हैं, उनका काम कैसा है, लोग उनसे खुश हैं नहीं खुश हैं, उसके बारे में आज पब्लिक के बीच बात होगी और जो कर्मचारी अच्छा पाया जाएगा उसको हम वहीं सामने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करेंगे माला पहना के, और जिनके काम में कमी लोग पाएंगे उनको हम एक चेतावनी देंगे कि भाई अपने काम में आप सुधार लाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस जो है वो गाँव के अंतिम छोर पर ही हम सिद्ध कर पाएंगे। हम आप पेशा के बारे में लोगों से खुल के बात करने वाले हैं आज वहाँ पर ताकि उनको समझ में आए। कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी मीटिंग्स करने में लोगों को पूरी बात समझ में समय आती है। हमने भाषा को भी एक माध्यम बनाया है, जैसे वो इलाका बैगा क्षेत्र है तो हम लोग वहाँ पे बैगा भाषा के भी कुछ लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं जो बैगा में उनसे हमारी बात को कम्युनिकेट कराते हैं ताकि लोग हमसे और अच्छा कनेक्ट करें। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भी गुड गवर्नेंस है वो ट्रू स्पिरिट में नीचे पहुँचे, लोगों को उस चीज़ का लाभ मिले जिसके लिए सरकार उनके प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वो ट्रू स्पिरिट पे नीचे उतरे और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि रोड़ी में अब एक नया डेवलपमेंट मॉडल हम लोग ला रहे हैं जिसमें अल्टीमेटली जो लोकतंत्र का सच्चा अर्थ है कि लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ मिले वो हम उनको दे पाएँ और हम ये बता पाएँ कि अल्टीमेटली में हम ट्रू स्पिरिट में लोक सेवक हैं। थैंक यू।